हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सीरीज चल रही है डिवीजन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जिसमें मैंने तीन वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। पहला वीडियो डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल टर्म्स, दूसरा वीडियो डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल टर्म्स, और तीसरा वीडियो डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल टर्म्स पे मैं बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बाइनोमियल टर्म को एक दूसरे बाइनोमियल टर्म से डिवाइड करेंगे। मतलब हिंदी में अगर बोलें तो एक द्विपदीय व्यंजक को दूसरे द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड एक्स क्यू माइनस एट बाई एक्स माइनस टू। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है डिवाइड टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स प्लस वन। आप देखो, इसमें सिर्फ दो टर्म दिख रहे हैं, इसलिए बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या होते हैं? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें केवल और केवल दो टर्म हो, उसे बाइनोमियल कहते हैं। वैसे तो जितने मोनोमियल हैं सभी आपके क्या हैं, जितने पॉलीनोमियल हैं वो सभी आ जाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। लेकिन ट्राइनोमियल तक एक स्पेशल नाम हो जाता है, ठीक है? तो वैसे ये पॉलीनोमियल का ही हिस्सा है जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ये भी क्या है? दो टर्म है तो ये भी बाइनोमियल है। ये भी क्या है? दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। और ये भी दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है? तो इनका डिवीजन हम लोग देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये जो इनसाइड होता है ब्रैकेट के, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम कहते हैं डिवाइजर। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। और ये वाला जो नीचे हिस्सा आएगा उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवीजन शुरू करेंगे। यहाँ पर x माइनस टू और x क्यू माइनस एट, इसमें हमें डिवीजन करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम जो डिविडेंड होता है उसका फर्स्ट टर्म x क्यूब ओवर जो डिवाइजर होता है उसका फर्स्ट टर्म ऐसे राइट करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। देखो, x के पावर थ्री है, x के पावर वन है, कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। डिविजन में जो साइन होती है वो, मतलब जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है ये हमारा क्वोशिएंट बनेगा, मतलब इसी से हमें इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो देख लीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम ये लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे राइट कर देंगे, लेकिन टू एक्स स्क्वायर को इसके नीचे राइट नहीं करेंगे। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे राइट करते हैं, ठीक है? लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे राइट करते हैं। लाइक टर्म क्या होते हैं? सेम वेरिएबल और उनकी सेम पावर। तो यहाँ पे तो देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये सेम वेरिएबल होगा ही नहीं, तो मतलब लाइक टर्म। फिर हम इस माइनस टू एक्स स्क्वायर को यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? कहाँ पे राइट कर देंगे? थोड़ा सा आगे ले जाके राइट कर देंगे। तो अभी देखो साइन बदल जाएगा। जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये प्लस टू एक्स स्क्वायर को हम थोड़ा पहले राइट कर देंगे, माइनस एट को हम थोड़ा बाद में राइट कर देंगे, क्योंकि हम हाइएस्ट पावर को सबसे पहले लिखते हैं और लोएस्ट पावर को थोड़ा बाद में लिखते हैं। अब हम आते हैं इस डिविडेंड में। अब ये नया डिविडेंड बन गया हमारे पास, तो इस डिविडेंड का पहला टर्म लिखेंगे और इस डिवाइजर का पहला टर्म लिखेंगे। तो जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। कितना आ जाएगा? 2x। ये 2x हमारा नया क्वोशिएंट बनेगा, और साइन प्लस है तो ऐसे लिख देंगे प्लस 2x। इसी प्लस 2x से इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस टू, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 × 4x, ठीक है? इसको अब फिर से यहाँ पे राइट करेंगे तो 2x स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 4x थोड़ा आगे करके लिखेंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। फिर क्या होगा? फिर से साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो इसे राइट कर लो, मैं इसे हटा देता हूँ। आप बाद में वीडियो को पीछे ले जाके या वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये जो 2x स्क्वायर प्लस है और ये 2x स्क्वायर माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 4x को पहले राइट कर देंगे
और ये माइनस एट को थोड़ा बाद में राइट कर देंगे। अब क्या होगा, अब फिर से इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे, मतलब 4x डिवाइडेड बाई x, तो इस x से x कट जाएगा, कितना आएगा 4। तो इस बार का जो हमारा कोशेंट है वो कितना है 4 है, तो मतलब इस 4 से जब हम x माइनस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और माइनस एट आ जाएगा। इसको हम इसके नीचे राइट कर लेंगे 4x माइनस एट। तो अभी क्या होगा, देखो ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा और ये माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, साइन डिफरेंट है तो दोनों ही कट जाएंगे। देखो प्लस 4x माइनस 4x कट जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप पे क्वोशेंट ही क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पर फाइनली मैं ऐड करना चाहूंगा, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड क्वोशेंट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर क्या है x प्लस 1 और यहां पर क्या है 2x स्क्वायर। जब हम इस x प्लस 1 को 2x स्क्वायर में भाग देंगे, ए डिविडेंड का जो पहला टर्म लेते हैं और डिवाइजर का पहला टर्म, इसको भाग करते हैं आपस में, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 2x। ये 2x हमारा बनेगा कोशेंट, इस 2x को हम यहां पे राइट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसी 2x से हम इस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको हम राइट करेंगे तो 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर राइट कर देंगे ये, लेकिन इस 2x को इसके नीचे नहीं राइट करेंगे क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, तो थोड़ा सा दूर ले जाके लिखेंगे प्लस 2x। अब जब सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस साइन था माइनस हो जाएगा या प्लस साइन था माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x को हम पहले राइट कर देंगे और माइनस 2 को हम बाद में राइट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया इसको हायर पावर टू लोअर पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अब क्या होगा, अब फिर से इस टर्म को यानी कि माइनस 2x को इस टर्म से यानी कि x से हम डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा माइनस 2। यह माइनस 2 हमारा नया कोशेंट बनेगा, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। इसी माइनस 2 से हम इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2। ठीक है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस 2x और माइनस 2। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और कोशियंट 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो इसे वीडियो को पॉज करके राइट कर लो, इसे आपको क्वेश्चन के फेयर पार्ट में करने की जरूरत नहीं है, ये रफ पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस जो बाइनोमियल बाय बाइनोमियल के डिवीजन थे। इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे एक द्विपदीय व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक से भाग करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं कि यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर ये क्वेश्चन आपको जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा सा शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।